हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट और कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पूरे मनोवेग से लगे होंगे दोस्तों इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेकर के आया हूं कि सी टेट दो के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने एग्जाम सेंटर का पता कर लीजिए और एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि एग्ज़ाम जो है वो इकतीस जनवरी दो को ही होगा और अपनी जो भी आपकी तैयारी है उसको अंतिम स्वरूप देना शुरू कर दीजिए और सफलता का एक ही मंत्र है अगर आप सीटेड क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और इसी से आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं वो भी एक ही बार में तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों वो बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक और इससे ज़रूर कोई ना कोई एक सवाल तो कम से कम पूछा ही जाता है और एक एक नंबर से ही हम अपना एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पहला प्रश्न है दोस्तों कि एक कारक सिद्धांत एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है और आपका ऑप्शन है बिने ऑप्शन बी स्टर्न ऑप्शन सी टर्मैन ऑप्शन डी उपयुक्त सभी दोस्तों ये चार ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है कि एक सिद्धांत एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है दोस्तों आपको सही ऑप्शन चुनना है जो कि आपका सही ऑप्शन क्या है वो है उपयुक्त सभी जी हाँ दोस्तों एक कारक सिद्धांत जो बुद्धि का दिया गया है उसको बिने स्टर्न टर्मैन इन तीनों ने मिलकर के प्रतिपादित किया है तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन डी है यानी उपयुक्त सभी वो सभी सही होगा दोस्तों इस वीडियो में मैं केवल बुद्धि के सिद्धांतों के नाम उनके प्रतिपादक के नाम ही यहाँ पर केवल डिस्कस करूँगा अगर आपको और डिटेल में इस टॉपिक को समझना है अच्छे से इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोलिएगा तो मैं इस पर भी एक वीडियो आपको ज़रूर बना करके दूंगा चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है कि दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है यानी द्विकारक जिसमें दो कारक होते हैं जैसे कि एक जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर होता है और एक एक्स फैक्टर यानी कि स्पेशल फैक्टर जिसको बोलते हैं समान योग्यता कारक और दूसरा विशिष्ट योग्यता कारक तो ये दो फैक्टर होते हैं डिटेल पे नहीं जाते ज्यादा सिर्फ सिद्धांत तो उनके प्रतिपादक पर ही रहते हैं ताकि हमें ये क्वेश्चन के जो मुख्य जो नाम है वो याद हो जाए जिससे कि हम अपना कम से कम एक नंबर पक्का कर सकें दोस्तों तो आपके सामने प्रश्न है कि दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है और आपका पहला ऑप्शन है स्टर्न ऑप्शन बी स्पीयरमैन ऑप्शन सी गार्डनर और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं इन चारों ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों तो आपका सही ऑप्शन जो है वो दो कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है ऑप्शन बी यानी स्पियर तो याद रखिएगा दोस्तों दोस्तों ये इसकी पी जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि सिलेक्शन टारगेट के नाम से है वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी जिससे कि आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है और आप इस पी के माध्यम से दोबारा प्रैक्टिस करके और अपनी तैयारी को और दुरुस्त कर सकते हैं तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप कि बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है बहुकारक जिसमें बहुत सारे कारक होते हैं बुद्धि के तो उसके प्रतिपादक निम्न में से कौन है दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है बर्नर ऑप्शन बी स्टेनबर्ग ऑप्शन सी थान डाइक और ऑप्शन डी चॉम्स्की तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों प्रश्न क्या था कि बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है तो दोस्तों आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी थान डाइक यानी थान डाइक ने ही बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अब अगला प्रश्न है दोस्तों समूह कारक का सिद्धांत यानी जिसमें बुद्धि के जो कारक होते हैं वो समूह में होते हैं तो समूह कारक का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था या उसके प्रतिपादक कौन है आपके ऑप्शन इस प्रकार है पहला ऑप्शन है थर्स्टन ऑप्शन बी गिलफोर्ड ऑप्शन सी स्किनर ऑप्शन डी गैरेट ये चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं आप इसका सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए दोस्तों आपका प्रश्न क्या है कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो आपका जो ऑप्शन ए है यानी जो है वो बिल्कुल सही है यानी ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए समझिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी कीजिए बार बार रिपीट कीजिए आपके ये अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया तो इसमें एक नंबर के आपके पूरे चांसेस हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ऑप्शन ए बिने ऑप्शन बी रायबर्न ऑप्शन सी वुडबर्थ ऑप्शन डी जेपी गिलफोर्ड तो दोस्तों बताइए कि बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यानी जेपी गिलफोर्ड जेपी गिलफोर्ड जो है वो उन्होंने ही बुद्धि संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है कि तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आर बी कैटल ऑप्शन बी स्टन ऑप्शन सी बोरिंग ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों इन चारों ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों आपको बताना है कि तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है तो मैं आपको सही ऑप्शन बताता हूं दोस्तों ऑप्शन ए कैटल जो है उन्होंने ही तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो आपके लिए ये प्रश्न था आपको आंसर भी मिल गया आप इन प्रश्नों को इनके आंसर्स को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गैरेट ऑप्शन बी हावर्ड गार्डनर ऑप्शन सी टर्मेन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी दोस्तों ये सभी आपके ऑप्शन है इनमें से आपको सही ऑप्शन का कर चुनाव करना है और आपका प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी हार्वर्ड गार्डनर तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत छोटे छोटे ही मैं वीडियो बना करके लाता हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना आपका समय लॉस ना हो सीधा टू द टू द पॉइंट टू द टॉपिक हम बात करें और अपने नंबर को जितना ज़्यादा हो सके कन्फर्म करें कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ऑप्शन ए फिलिप बर्नर ऑप्शन बी बर्न ऑप्शन सी बिने ऑप्शन डी फ्रॉबेल तो दोस्तों आपके सामने ये चारों ऑप्शन है आपको बताना है कि पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो दोस्तों आपके समक्ष आपका जो सही ऑप्शन है वो है फिलिप बर्नर ने यानी ऑप्शन ए आपका सही है फिलिप बर्नर ने ही पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों अगला प्रश्न है कि त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है तो आपको बताना है कि त्रितंत्र जो बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक निम्न में से कौन है आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए थर्स ऑप्शन बी वुडबर्थ ऑप्शन सी गार्टन ऑप्शन डी स्टेनबर्ग तो ये आपके सही ऑप्शन है दोस्तों इनमें से सभी ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है और मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है तो दोस्तों आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी स्टेनबर्ग यानी यह आपका बिल्कुल सही जवाब है और आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है कि गैरेट के अनुसार निम्न में से कौन बुद्धि के प्रकार हैं यानी बुद्धि गैरेट ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं वो कौन कौन से बताए हैं तो नाम याद रखिएगा पहली बात गैरेट क्योंकि गैरेट ने भी बुद्धि के प्रकार बताए हैं दूसरा थॉर्न डाइक ने भी बताए हैं तो इनके सबके अलग अलग याद रखिएगा गैरेट के अनुसार पूछ रहा है तो आपको गैरेट के अनुसार जवाब देना है कि गैरेट के अनुसार निम्न में से कौन बुद्धि के प्रकार हैं ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि ऑप्शन बी अमूर्त बुद्धि ऑप्शन सी सामाजिक बुद्धि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तो इन चारों ऑप्शन में आपका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो कौन सा है आप बता सकते हैं तो बताएं इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी यानी गैरेट ने माना है कि मूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि तीन तरह की बुद्धियाँ होती हैं मूर्त बुद्धि जिसमें कि गामक बुद्धि जिसको बोलते हैं यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं और जिसका संबंध जो होता है वो यंत्रों से होता है यानी मशीनरी से होता है और अमूर्त बुद्धि क्या होती है जिसका संबंध जो है वो पुस्तकीय ज्ञान यानी आप कह सकते हैं किताबी ज्ञान से होता है सामाजिक बुद्धि क्या है सामाजिक बुद्धि वो है जिसका संबंध जो है वो किसी व्यक्तिगत या सामाजिक कार्यों से होता है तो एक छोटी सी डिटेल है अगर आपको इस इस टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर ले आऊँगा तो ये इस तरह से ये आपके दसियों सवाल जो थे वो हो गए हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आ, वीडियो पसंद आते हैं आपको सही लग रहा है कि आपके नॉलेज में आपके इंक्रीजमेंट हो रहा है यानी बढ़ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार